गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान पुनः स्थापित किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने INS खुरखरी युद्ध स्मारक सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लोगों को COVID-19 का टीका लगवाने के 3 सेकंड भीतर ही प्रमाण पत्र मिल गया, जबकि विकसित देशों में भी लोगों को अपना समय से COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वहीं अमित शाह ने PM मोदी की तारीफ भी की। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि 2014 के केंद्र में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान केवल 45 दिनों में चिकित्सीय ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, इसके आगे उन्होंने कहा कि अब यदि 50 साल के बाद भी कोई वैश्विक महामारी आती है तो 1 लीटर ऑक्सीजन विदेश से नहीं लेनी पड़ेगी। PM केयर के माध्यम से मोदी ने स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर बनाया है। इसके साथ ही अमित शाह ने केंद्र सरकार के युवाओं के लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले मात्र एक पदक जीतने भर में पूरे देश जश्न मनाता था, आज भारत 10 से कम पदक जीतने के बारे में भी नहीं सोचता, चाहे वह पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत पदक तालिका में दुनिया के 5 शीर्षों में शामिल होगा। शाह ने यह भी कहा कि सरकार ने सड़क और रेलवे संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने यह सुनिश्चित किया है कि दादरा व नगर हवेली, दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण और शहरी गरीबों को मुफ्त राशन, घर, जल आपूर्ति, मुद्रा ऋण, विधवा पेंशन और अन्य सुविधाएं मिल सके। यहां तक के शाह ने यह भी कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू की गई नीतियों का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।